क्या आप वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप लूँगा तो सही, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ होने चाहिए जिससे कि जब मैं वीडियो एडिटिंग करूँ, अगर मैं प्रीमियर प्रो चलाता हूँ, आफ्टर इफेक्ट चलाता हूँ, फिल्मोरा चलाता हूँ या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर चलाता हूँ तो उसमें मेरा कोई दिक्कत ना है, परेशानी ना है। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको जो है टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप बताऊंगा और हर एक प्राइस सेगमेंट का बताऊंगा, यानी कि 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, यानी कि हर एक प्राइस के रेंज में जो जब से बेस्ट लैपटॉप है वो सारे के डिटेल में आपको बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और कोई वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको जो भी बजट होता है बजट के अनुसार आप जो है लैपटॉप ले लो, और आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किस बजट में मुझे क्या क्या जो है चीज़ मुझे मिल रहा है, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई मेरे लिए ये वाला लैपटॉप बेस्ट रहेगा। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है वीडियो एडिटिंग के लिए, जब भी आप लैपटॉप लोगे कम से कम आपको जो 8GB रैम आपको होना ही चाहिए, लैपटॉप में कम से कम SSD लगा होना ही चाहिए और प्रोसेसर आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग की जो भी सॉफ्टवेयर है ना वो CPU बेस्ड जो है सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि अगर आपका लैपटॉप का अगर CPU बहुत अच्छा रहेगा ना तो वो आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहे कोई भी हो, चाहे प्रीमियर प्रो हो, आफ्टर इफेक्ट हो या कोई भी सॉफ्टवेयर चला तो वो बहुत ही अच्छा चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग। बहुत ही बजट सेगमेंट में जो है वीडियो एडिटिंग के लिए जो है लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं तो अभी जो मैं जितने भी आपको बताऊंगा, यानी कि आपको जो है 30,000 से 40,000 के प्राइस रेंज में ये वाला लैपटॉप रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं Lenovo IdeaPad की। इसमें अगर प्रोसेसर की बात करें तो Ryzen की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3250U का प्रोसेसर है, 8GB का रैम है, 256GB का SSD इसमें लगा हुआ है और इस लैपटॉप में आप जो है 12GB तक रैम को आप अपग्रेड अप कर पाएंगे। इसके बाद जो लैपटॉप आता है वो है HP की तरफ से आने वाला लैपटॉप है। इसमें आपको जो है प्रोसेसर Ryzen की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3250U का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा, 8GB का रैम है, 256GB का SSD है जो कि NVMe वाला SSD है और इस लैपटॉप में आप जो है अप टू 16GB तक रैम को आप अपग्रेड अप कर पाएंगे। इसके बाद जो लैपटॉप आता है वो है Asus की तरफ से आने वाला लैपटॉप। इसमें जो है Intel की तरफ से आने वाला i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर है जो कि अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, 8GB का रैम और 256GB का SSD आपको मिल जाएगा जो कि NVMe वाला SSD है। इसमें आपको जो है 12GB तक रैम आप अपग्रेड कर सकते हो, इसके साथ साथ आप जो है स्टोरेज भी अपग्रेड आप कर सकते हो। इसके बाद जो लैपटॉप आता है वो है Dell की तरफ से आने वाला लैपटॉप है, जिसमें प्रोसेसर आपको Ryzen की तरफ से आने वाला Ryzen 5 3450U का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। इसमें भी आपको जो है 8GB रैम और 256GB SSD आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो मैं आपको लैपटॉप बताने जा रहा हूँ ये 50,000 से 60,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है वीडियो एडिटिंग के लिए। Acer की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप में अगर प्रोसेसर की बात करें तो Intel की तरफ से आने वाला i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, 8GB का रैम है, 512GB का SSD इसमें लगा हुआ है जो कि NVMe वाला SSD है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें Intel की तरफ से आने वाला Iris Xe का ग्राफिक कार्ड इसमें लगा हुआ है और इस लैपटॉप में आप अप टू 20GB तक रैम को आप अपग्रेड अप कर पाएंगे। इसके बाद जो लैपटॉप आता है वो है Lenovo की तरफ से आने वाला लैपटॉप है। प्रोसेसर इसमें Ryzen की तरफ से आने वाला Ryzen 5 4600H का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, 8GB का रैम है, 256GB का SSD है। इसके साथ साथ इसमें आपको जो है 1TB का हार्ड डिस्क ड्राइव भी मिलेगा जिससे कि आप अपने स्टोरेज को और बढ़ा सकते हो। 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा जो कि NVIDIA की तरफ से आने वाला GTX 1650 4GB DDR6 का ग्राफिक कार्ड इसमें लगा हुआ है। अगर आपका बजट 60,000 से 70,000 के बीच में अगर आपका बजट है तो आपको जो है ये वाला लैपटॉप आपको लेना चाहिए। Lenovo की तरफ से आने वाला Lenovo IdeaPad गेमिंग लैपटॉप। इसमें अगर प्रोसेसर की बात करें तो Ryzen 5 4600H का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, 8GB का रैम है और 512GB का SSD इसमें लगा हुआ है। इसमें आप 16GB तक रैम को आप अपग्रेड कर सकते हैं और इसमें NVIDIA की तरफ से आने वाला डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है जो कि GTX 1650 Ti 4GB DDR6 का ग्राफिक कार्ड इसमें लगा हुआ है। इसके बाद जो लैपटॉप है वो है HP की तरफ से आने वाला लैपटॉप है, जिसमें Intel की तरफ से आने वाला i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, 8GB का रैम है, 256GB का SSD है प्लस 1TB का हार्ड डिस्क ड्राइव भी लगा हुआ है। तो जिनको जो है स्टोरेज को लेकर परेशानी होती है उनके लिए ये वाला लैपटॉप बेस्ट है। इसके साथ साथ इसमें आपको जो है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगा जो कि NVIDIA की तरफ से आने वाला GTX 1650 4GB का ग्राफिक कार्ड इसमें लगा हुआ है।
अब बात करते हैं नंबर वन पे वो कौन सा लैपटॉप है। अगर आपका बजट 90,000 के प्राइस रेंज तक है ना, तो आपको आंख बंद करके इसी लैपटॉप को ले लेना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो ना, तो इससे बेहतर लैपटॉप नहीं मिलेगा। क्योंकि पूरे इंडस्ट्री में जहाँ भी आप कहीं भी आप जाके देख लो, किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाके देख लो या कहीं भी जाके देख लो, जो कि प्रोफेशनल लेवल में वीडियो एडिटिंग करते हैं, वो जो है इसी लैपटॉप को, यानी कि इसी सीरीज़ का लैपटॉप को यूज़ करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एप्पल की तरफ से आने वाला मैकबुक एयर की। इसके साथ साथ ही एप्पल की तरफ से आने वाला मैकबुक एयर को लेने का सबसे बड़ा आपका रीज़न ये है कि इसमें आप जो है फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप चला सकते हो, जो कि आप ये सॉफ्टवेयर किसी और लैपटॉप में आप चला ही नहीं सकते। क्योंकि ये आपका जो है ये एप्पल का ही प्रोडक्ट है और ये एप्पल के ही लैपटॉप में ये चलेगा, फाइनल कट प्रो। और यकीन मानो, फाइनल कट प्रो में अगर आप वीडियो एडिटिंग करोगे ना, तो आप जो है प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, जो भी वीडियो एडिटिंग करते हो, उससे आपको लाख गुना बेहतर है 90,000 के प्राइस रेंज में अगर आपका बजट है। तो बेशक आप जो है एप्पल की तरफ से आने वाला मैकबुक एयर को आपको जो है आंख बंद करके ले लेना चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए। एप्पल की तरफ से आने वाला मैकबुक एयर की अगर प्रोसेसर की बात करें, तो इसमें एप्पल की तरफ से आने वाला M1 का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। रेटिना डिस्प्ले के साथ आपको ये लैपटॉप मिल जाता है और इसमें आपको 8GB का रैम मिलता है और 256GB का SSD आपको इसमें मिल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग के बारे में बताया है, सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी के बजट के अनुसार, यानी कि आपको जो बजट है, बजट के अनुसार सब जो है चुन चुन के वो लैपटॉप का लिस्ट वहाँ पे हमने बनाया है, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो।